अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू फिज़ा वेस्ट लाइफ डायरीज। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी 9th रोज़े से। तो अभी मैंने बना ली है सहरी, और सहरी में मैंने क्या क्या बनाया है वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। लेमन वाटर बनाया है, चाय है, पराठे, और साथ में शामी कबाब मैंने फ़्राई कर दिए थे। पराठे हम लोग ज़रूर हर दिन खाते हैं, क्योंकि हम लोग अफ्तारी के बाद डिनर बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये थी जी हमारी सहरी। सहरी करने के बाद नमाज़े फजर अदा करूँगी, और जो नौवे रोज़े के अज़कार हैं वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ, बल्कि मैं पूरे दिन के आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो ये सूरह तौबा की आयतें पढ़नी थी 11 दफ़ा, और फिर नमाज़े ज़ुहर के बाद सूरह बकरा की आयत थी 11 दफ़ा पढ़नी थी ये वाली, फिर नमाज़े असर के बाद सूरह आले इमरान की आयत नंबर 26 21 दफ़ा पढ़नी थी, फिर नमाज़े मगरिब के बाद ये वाली सूरत पढ़नी थी। ठीक है जी, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे रमज़ान की रूटीन्स कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पर जी मैंने आपके साथ पूरे दिन की ना अज़कार जो हैं वो शेयर कर दी हैं। तो अब है जी अफ्तारी का टाइम। जो ही अफ्तारी का टाइम स्टार्ट होता है तो मैं अपनी जो भी मेन्यू होता है ना वो मैंने पहले सोच के रखा हुआ होता है, फिर वो मैं बनाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी आज बन रहे हैं जी चिकन बंस, चिकन स्टफ़ बंस, जिसके लिए मैंने चिकन ले लिया है बोनलेस। उसमें मैंने दड़ा मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला, चिकन टिक्का पाउडर, सॉल्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और हल्दी, ये सारे जो रेगुलर स्पाइसेस हैं ना चिकन टिक्का के लिए वो आपने डाल देने इसमें, और अच्छे से हमने इसको भून लेना है और इसको कवर करके रख देना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब तक ये सॉफ्ट होगी तब तक हम डो बना लेंगे, और डो को तकरीबन 1 से 2 घंटा टाइम चाहिए होगा, इसलिए आपने तैयारी जो है थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर देनी है। तो मैंने भी ऐसे किया था कि फिलिंग रेडी करके रखती थी, वो जब ठंडी हो रही थी इतनी देर में मैंने डो बना ली, और 2 घंटे बाद डो राइस हुई थी। क्योंकि आजकल वेदर ऐसा रेनी सीज़न है तो थोड़ी ठंड है, तो डो को राइज़ होने के लिए 1 से 2 घंटे चाहिए होते हैं। आप इसको गर्म जगह पे रखेंगे तो ये जल्दी राइज़ हो जाएगी। तो डो बनाने के लिए आपको चाहिए जी 2 कप मैदा। इस 2 कप मैदे से आपके 4 बंस बनेंगे। तो अगर आपने ज़्यादा बंस बनाने हैं तो आपने हर इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी डबल कर देनी है, अगर आपने 8 बंस बनाने हैं, ठीक है, और अगर आपने 2 बनाने हैं तो हाफ़ कर देनी है। अब 2 कप मैदे में मैंने 1.5 टीस्पून शुगर ऐड की है, 2.5 टीस्पून खमीर यानी इंस्टेंट हीस्ट ऐड करेंगे। इसमें चीनी और खमीर की क्वांटिटी सेम नहीं होगी, खमीर ज़्यादा होगी ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट अंदर से बंस बने, और इसकी जो डो होगी वो काफ़ी स्टिकी सी होगी। अच्छा, इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं पिंक सॉल्ट ऐड यूज़ कर रही हूँ, आप रेगुलर सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स। एक नॉर्मल साइज़ का रूम टेम्परेचर हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, और 1/4 कप हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क रूम टेम्परेचर। सारी चीज़ें हमने रूम टेम्परेचर डालनी है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और नीम गर्म पानी हम साइड पर रख देंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करके अच्छे से डो को हम नीट कर लेंगे। तो डो का साइज़ अभी ये है। एक हम बाउल लेंगे, उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो डो है ये काफ़ी स्टिकी है, तो अच्छे से आपने ग्रीस लाजमी करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डो रखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल के इसको क्लीन रैप करके मैं इसको माइक्रो में रख देती हूँ। मैं ऐसे करती हूँ जब ठंड होती है तो इस संगी कोई चीज़ राइज़ करनी हो, डो वगैरह, तो मैं ये करती हूँ कि 2 से 5 मिनट का माइक्रो लगा देती हूँ। जब वो ख़त्म हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो फिर मैं ऑफ़ करके इसको अंदर रख देती हूँ। तो इस तरह गर्म टेम्परेचर वाली जगह पे आप इसको रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। तो जब ये साइज़ में डबल हो जाएगी तो तब हम इसका बाकी काम करेंगे। तो ये करने के बाद मैंने सालन बनाना था, क्योंकि आज मेन्यू में है रोटी सालन। कोई चाट मैं नहीं बनाऊंगी, रोटी सालन बनेगा। तो सालन के लिए बन रहा है जी मटन। मैंने पानी डाल के उसमें प्याज डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और गरम मसाला साबर डालकर इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। जब ये अच्छे से बॉईल हो गया था, इसकी यखनी मैंने सेपरेट कर दिया। तो अब हम करते हैं जी बुनाई। अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स। इसमें डालेंगे ऑयल,
टमाटर और जो रेगुलर स्पाइसेस हैं वो ऐड करके हम इसको भून लेंगे। जब अच्छा सा गोश्त भुन जाएगा उसके बाद हमने जो यखनी सेपरेट की थी ना उसको एज अ ग्रेवी या शोरबे के तौर पे हम इसको रख देंगे। तो वो फिर जिस तरह आपको चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं इसी तरह ही मटन बनाती हूँ। हर बंदे का मटन बनाने का या गोश्त बनाने का अपना स्टाइल है। कुछ लोग मसाला पहले बनाते हैं और फिर उसको गोश्त को भून के फिर पानी रख के उसको गलाते हैं। तो मैं पहले गला लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको भून के उसका शोरबा रखती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च और रेड जो चिली है वो डालूँगी, अचार गोश्त का मसाला डालूँगी। अच्छे से हम इसको कर लेंगे मिक्स ताकि हमारी हांडी अच्छी सी बन जाए। साथ साथ हांडी बन रही है और डो इस टाइम पे हमारी राइज़ हो रही है। हांडी बनाने के बाद मैं देखूँगी अगर डो मेरी राइज़ होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर जो ही डो डबल हो जाएगी। तो आपने इस तरीके से टाइम की मैनेजमेंट करनी है कि तकरीबन इसको 30 से 40 मिनट लगते हैं बेक होने के लिए। तो आपने 1 से 2 घंटे आपने डो के लिए रखने हैं, तो इस टाइम पे आपने काम शुरू करना है ताकि आपकी टाइम से इफ्तारी बन जाए। यहाँ पर जी डो राइस होगी तो उसको मैंने बेल के और एक बंसा बना लिया है। और अब इसके ऊपर मैं अंडा अप्लाई करूँगी, सफ़ेद तिल और कलवंजी। अच्छा, जो पैन है ना उस पर आपने ऑयल अच्छे से ग्रीस करना है और थोड़ा सा आपने मैदा डस्ट कर देना है ताकि ये जो बंस हैं इनकी डो जो है काफ़ी स्टिकी है, ये नीचे स्टिक ना कर जाए। फिर आपने इसको लोअर अपर रॉड पे 250 टेम्परेचर पे 30 मिनट्स या 40 मिनट्स तक आपने इसको बनाना है। ये आपने देख लेना है कि कब तक आपकी डो हो जाएगी। साथ में मैंने बनाया जी ब्रेड पकौड़ा, टैंग है, रोटियाँ बना ली थी, सालन हमारा रेडी हो गया था, चिकन स्टफ बंस हैं और साथ में मैंने रेगुलर जो पकोड़े होते हैं वो बना लिए। तो ये है जी हमारी 9th रोज़े की इफ्तार। अब स्टार्ट होती है यहाँ से 10th रोज़े की सहरी। तो सहरी में बन रही है जी चाय, पराठे बन रहे हैं और जो हमने एक दिन पहले सालन बनाया था मटन का वही मैं साथ में गर्म करूँगी और वही हम सहरी में भी इंजॉय करेंगे। चाय बनेगी, लेमन वाटर बनेगा। तो यही हमारी रोज़ की सहरी होती है। पराठे हम लोग लाजमी बनाते हैं क्योंकि हम लोग एक ही टाइम पे रोटी खाते हैं। अगर आप डिनर पे भी लो तो फिर आप सहरी में डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आपने अपने वेट को बैलेंस रखना है, कि आप चाहते हैं कि रमज़ान में आपका वेट ज़्यादा गेन ना हो, तो आप एक टाइम पे लाजमी रोटी लें, चाहे आप सहरी में पराठा ले लें या डिनर के बाद। अगर आप वेट को मेंटेन रखना चाहते हैं तो डिनर के बाद आधी रोटी ले लें, ज़्यादा ना लें अगर आपका इफ्तारी से गुजारा नहीं होता। तो यहाँ पर जी मैंने नमाज़ फ़जर अदा कर ली थी, उसके बाद मैं अब आपके साथ 10वें रोज़े के अस्कार शेयर करूँगी। 5वां कलमा पढ़ना है मैंने नमाज़ फ़जर के बाद। फिर उसके बाद है जी नमाज़ ज़ोहर के बाद। इसी तरह सारी चीज़ें इस पर मेंशन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये है जी सूरह यासीन, तो ये सारी पढ़ूँगी जिस नमाज के बाद भी होगी। इसके बाद मैं सबक पढ़ूँगी सहरी के लिए, सहरी के बाद किचन नीट करूँगी और फिर सो जाऊँगी। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ अफ्तार में। तो ये है जी 10th रोज़े की अफ्तारी, जिसमें मैंने बनाया था जी क्रीमी फ्रूट चाट। और फ्रूट्स में मेरे पास है जी स्ट्रॉबेरी, केले हैं, अमरूद और सेब। ये सारी चीज़ें मैं इनको मिक्स करूँगी, डेट्स इसमें ऐड करूँगी। जो भी आपके पास फ्रूट अवेलेबल है ना, आप उसकी क्रीमी फ्रूट चाट बना सकते हैं। क्रीम डालूँगी, चाट मसाला ऐड करूँगी, थोड़ा सा इसमें मैं टैंग ऐड करूँगी डिफरेंट सा फ्लेवर देने के लिए, और अच्छे से हम इसको मिक्स करके रख देंगे। आज मैं आपके साथ डिटेल में कोई भी रेसिपी नहीं शेयर कर रही, मैं जस्ट आपके साथ जो जो इंपॉर्टेंट रेसिपीज़ हैं या डिफरेंट हैं उनकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जो रेगुलर रूटीन की रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, उनका मैं आपको क्विक सा दिखा रही हूँ कि मैंने बनाया क्या क्या था। यहाँ पर जी हमारी क्रीमी फ्रूट चाट हो गई है जी रेडी। टैंग ज़रूर आप डालिएगा, ऑरेंज वाला फ्लेवर। अब मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सा ड्रिंक शेयर करती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए 1 कप कोई भी जूस। मैं यहाँ पर पीच फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश जूस भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज ऐड किए हैं इसमें मैंने, मिंट ऐड किया है और हम अच्छे से चीनी डालकर इसमें इसको ब्लेंड कर देंगे। अच्छे से हम इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर इसमें हम एंड पे ऐड करेंगे कोई भी आपके पास 7 अप है, सोडा, कोई भी चीज़ है वो आपने ऐड करनी है। लेकिन इस टाइम पे आपने ऐड नहीं करनी है, आपने इसको रेडी करके रख देना है। जब आपकी मगरिब की अज़ान हो जाएगी आप दुआ कर लेंगे, उसके बाद आपने उसमें सोडा ऐड करना है ताकि फ्रेश फ्रेश बड़े ही मज़े की रिफ़्रेशिंग सी ये ड्रिंक है और आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। स्ट्रॉबेरी वाला फ़्लेवर आपने नहीं डालना, ऑपोजिट फ्लेवर डालना है, यानी कि अगर आप ऑरेंज ले सकते हैं, मैंगो, पीच, कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। साथ में मैंने जामेश्री बना लिया था, चिप्स फ्राई कर ली थी, फ्रूट चाट है जी और फ्राइड आइटम्स में मैंने बॉक्स पेटीज़, रोल और हाफ मून फ्राई कर लिए थे, जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ
प्रेप में शेयर कर चुकी हूँ। तो आज सिंपल सी इफ्तार मैंने आपके साथ शेयर की है जी, 10th इफ्तार। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छे लगे होंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ।